जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों अगर आप सभी को ये से 6 संकेत मिलते हैं तो आप भी समझ जाइए कि हनुमान जी आपके साथ है और आपकी रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका सामना करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है। हम प्रयास करके थक जाते हैं लेकिन उस परिस्थिति से निकल नहीं पाते हैं। ऐसे समय में केवल ईश्वर ही हमारी मदद कर सकते हैं। इसी कारण हमें ईश्वर के साथ की आवश्यकता होती है। अगर ईश्वर की कृपा आप पर होती है तो आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति से आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर द्वारा भेजी गई सकारात्मक शक्तियां आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में सहायता करती है और आपको सही राह दिखाती है। कई बार आपको भी महसूस हुआ होगा कि मुश्किल परिस्थिति में आप कोई फैसला लेते हैं और आपको कामयाबी मिल जाती है, तो यही वो सकारात्मक शक्ति है जो आपकी मदद करती है। लेकिन इसके उलट जब ईश्वर हमारे कार्यों से नाराज होते हैं तो वे उनकी कृपा दृष्टि हम पर नहीं रखते और कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी निराशा ही हाथ में लगती है। हनुमान जी के शरण में जो भी व्यक्ति जाता है समझो उसे कोई बाधा छू नहीं सकती है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। महावीर हनुमान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी व्यक्ति हनुमान जी के शरण में जाता है समझो उसे कोई बाधा छू नहीं सकती है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं, लेकिन भगवान हनुमान आप पर प्रसन्न हैं यह कैसे पता चल सकता है? आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। आपके सपने अगर भगवान राम या भगवान हनुमान आते हैं तो समझ लें आप पर इनकी कृपा है। अगर आप निडर हैं और सच्चाई के साथ जीवन जीते हैं तो समझ लें कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, क्योंकि हनुमान जी जिस पर भी प्रसन्न रहते हैं वह व्यक्ति भयमुक्त और निर्भीक जीवन जीता है। अगर आपके जीवन में सफलता ही सफलता आती जाए और कोई बाधा का सामना न करना पड़े तो समझ लें यह सब हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। शनि की 7.5, ढैया या अन्य किसी भी तरह की शनि पीड़ा का असर अगर आप पर नहीं होता है यह इस बात का संकेत है कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं। यदि आप झूठ नहीं बोलते, सबसे प्रेम भाव रखते हैं, दोस्तों और परिवार का साथ आप किसी विवाद में नहीं उलझते तो यह हनुमान जी की कृपा होने का संकेत है। आपके हाथों में अगर मंगल रेखा स्पष्ट नजर आ रही है तो आप पर हनुमान जी की है, लेकिन आपको बुराइयों से दूर रहना होगा। इसी तरह कुंडली में यदि मंगल मेष, वृश्चिक या मकर राशि में है या सूर्य बुध एक ही जगह पर बैठे हैं या 10वें भाव में मंगल है तो माना जाता है कि यह मंगल नेक है। मंगल के नेक होने का अर्थ है कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न है। दोस्तों अगर आपको यह 6 संकेत दिखते हैं तो समझ लीजिए कि हनुमान जी आप पर प्रसन्न है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कॉमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दो।